हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता, वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। सर्दियों के सीजन में मूली काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में कई लोग सर्दियों में कई तरह के डिशेज बना के जैसे पराठे, सब्जी और सलाद का सेवन करते हैं। मूली स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है। यह शरीर में सूजन को कम करने से लेकर कोलेस्ट्रॉल स्तर को सुधारने में असरदार हो सकती है। हालांकि कुछ स्थितियों में इसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या थायराइड रोगी मूली का सेवन कर सकते हैं या नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायराइड में मूली को खाया जा सकता है, इससे किसी तरह की समस्या नहीं होती है। हालांकि अगर आपको थायराइड के साथ साथ अन्य तरह की परेशानी है, जैसे कब्ज या किसी तरह की सर्जरी हुई है, तो मूली का सेवन ना करें, इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप थायराइड रोगी हैं, तो सुबह के समय यानी सलाद के रूप में मूली का सेवन करें, शाम के वक्त मूली ना खाएं। अगर आप मूली को उबालकर या फिर किसी रूप में पकाकर खा रहे हैं, तो यह आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकती है। थायराइड में मूली के फायदे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायराइड रोगियों के लिए मूली खाने से फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइपरटेंशन को करे कंट्रोल। मूली में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो थायराइड रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। हार्मोन को करे संतुलित। एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायराइड की समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है। इस स्थिति में मूली का सेवन आपके लिए लाभकारी है। ब्लड सर्कुलेशन को करे बेहतर। थायराइड रोगियों में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाए रखने में असरकारी है। इसलिए अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या है, तो आप मूली का सेवन कर सकते हैं। स्किन की परेशानी। थायराइड रोगियों को स्किन से जुड़ी समस्या, जैसे ड्राई स्किन, समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां हो सकती हैं। इस तरह की परेशानी को दूर करने में मूली थायराइड रोगियों के लिए काफी लाभकारी हो सकती है। पाचन हो सकता है दुरुस्त। थायराइड रोगियों को पाचन से जुड़ी समस्या काफी ज्यादा होती है। ऐसे में मूली खाना थायराइड रोगियों के लिए लाभकारी है, क्योंकि मूली में फाइबर होता है, जो पाचन को दुरुस्त करने में लाभकारी होता है। थायराइड में मूली के नुकसान और समाधान। मूली थायराइड रोगियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि मूली को कच्चा ना खाया जाए। दरअसल मूली में गाइट्रोजन नामक प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो थायराइड रोगियों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।